जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए फनी एक्सीडेंट सीरीज में। नो 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 नो, लगता है कि आजकल एलन मस्क बिना टायर के ही गाड़ी की खोज करने में लगे हुए हैं और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। अब इस बंदे को ही देख लीजिए जो बिना टायर के ही गाड़ी को भगा कर ले जा रहा है। He tried it. दोस्तों अब इस बंदे को ही देख लीजिए जो इतना डर गया कि मान लो इसकी गर्लफ्रेंड ने इसकी किडनी मांग ली। Okay. दोस्तों अब इन दोनों बंदों से मिलिए, लगता है कि ये दोनों फ्यूचर प्लानिंग में लगे हुए थे। फ्यूचर प्लानिंग में इतने खो चुके थे कि प्रेजेंट भूल ही गए, जिसके बाद इनकी टुक टुक ने इनकी फाड़ दी। अब वो क्या फटा आप लोग कमेंट करके बताना। ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ, इतना गाड़ी घुमाने का क्या जरूरत है। दोस्तों अब इस आत्मा को ही देख लीजिए, लगता है किसके पास दिमाग था ही नहीं। अब इन जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में नहीं बल्कि चुल्लू में ही डूब मरनी चाहिए। लगता है कि इस बेवकूफ आत्मा को होल में ठीक तरह से डालना नहीं आता। दोस्तों स्क्रीन में दिखाई दे रहे इन दोनों मासूम चेहरों को देखिए, इनसे धोखा मत खाना वरना हो सकता है कि फ्यूचर में आपका पिछवाड़ा सुबह उठकर टट्टी करने के लायक ही नहीं बचेगा, क्योंकि इनके बेवकूफी के चलते दूसरों के पिछवाड़े पर हमेशा खतरा आता रहता है। लेकिन आज तो पूरा उल्टा पड़ गया, आज तो इनका ही पिछवाड़ा फट गया, अब ये सुबह टट्टी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सड़क पर जा रहे इस ट्रक की पिछवाड़ा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जिसके बाद इस ट्रक के पिछवाड़े का टट्टी सामने आ रहे कार के ऊपर गिरता। उससे पहले कार वाले का नसीब अच्छा था, ट्रक के पिछवाड़े का टट्टी कार पे गिरता, उससे पहले कार वाला बच निकल गया। दोस्तों चलिए आपसे इंसानी नाते एक सवाल करते हैं, कमेंट करके बताना कि जैसे ही सुबह आपको जोर से लगते हैं तो आप सबसे पहले संडास जाते हो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ताकि जोर 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 के बाद आपके चड्डी में कहीं हो ना जाए। लेकिन इस गाड़ी को कहाँ बोलना आता था, और लोगों ने इसके अंदर सद से ज्यादा वजन को डाला था, जिसके बाद इसकी पिछवाड़ा बहुत ही बुरी तरह से रास्ते पर ही फट गया। दोस्तों ये बेचारा कितनी मेहनत करके शॉपिंग के ट्रेली को शॉपिंग के अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अहम वक्त पर एक कार वाले ने आकर इसके सारे मेहनत के ऊपर टट्टी कर दी। दोस्तों अगर ऐसी चुचोरी हरकत हमारे यहाँ होता तो कार वाले को इतनी गालियाँ पड़ती कि सुबह उठते उसके पिछवाड़े से टट्टी नहीं बल्कि गालियाँ बाहर निकलती। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है, जैसे ही रोड पर जाते हुए एक्सीडेंट होता है तो कार के पिछवाड़े का हाल बुरा बन जाता है, कार के पिछवाड़े से पता नहीं क्या क्या बाहर निकल आता है। लेकिन यहाँ पर तो आश्चर्यजनक तरीके से जैसे एक्सीडेंट हुआ तो कार के पिछवाड़े से गुब्बारे बाहर निकल गए। दोस्तों चलिए आज आपको एक सलाह देते हैं, कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को पलंग के ऊपर चढ़ने के लिए जबरदस्ती मत करना, वैसे ही अपनी गाड़ी को जबरदस्ती ही कहीं पर चढ़ाने की कहीं पर ले जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इन दोनों सिचुएशन में आपका ही गांड फट जाएगा।
बहारो फूल बरसाओ, लैला बाग रही है, लगता है कि मजनू ने पूरी रात भर पलंग तोड़ी है, पलंग तोड़ी है, जिसको ना सहने के कारण लैला मजनू से भाग रही है, ओ मजनू से भाग रही है।